हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार और विपिन तन्हा और आपके अपने द तन्हा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या अपने जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको एक चीज छोड़ना होगा, एक्सक्यूज यानी कि बहानेबाजी बंद करना होगा। और आज की वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं आपको, आपको सीखने को आपको मिले या ना मिले, कुछ जानने को मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर होगा, आपका ब्रेन वॉश जरूर हो जाएगा आज की वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल या उदाहरण शेयर करने वाला हूं जिससे आपके बहाने का अंतिम संस्कार हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप इस बॉडी की क्लीनिंग के लिए हर रोज नहाते हैं, हर रोज साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम यूज करते हैं, लेकिन दिमाग की क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं? नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो आपके दिमाग की क्लीनिंग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और माइंड क्लीनिंग जरूरी है क्योंकि माइंड क्लीनिंग सिर्फ एक ही चीज से आएगा। आपको माइंड क्लीनिंग सिर्फ एक ही काम कर सकता है, मोटिवेशन। और आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल या उदाहरण शेयर करने वाला हूं जिससे आपके बहाने का सर्जरी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ये जो बातें मैं शेयर करने वाला हूं एक महान व्यक्ति से सीखी है, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस अनुभव है, जिनके पास काफी नॉलेज है, एक महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिनका नाम है मिस्टर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन अगर किसी बहानेबाजी की वजह से, एक्सक्यूज की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको चेक करने को मिल जाएगा कि आखिर आपका कौन सा बहाना है जिसकी वजह से आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप अनसक्सेस होते जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले दिमाग की क्लीनिंग के लिए जो सबसे जरूरी है उस पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बहाना जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, यह बहाना इतना इजी है कि कोई भी आसानी से बना लेता है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि मुझे शिक्षा लेने का अवसर ही नहीं मिला। दोस्तों, फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस दुनिया में अथाह और अपार सफलताएं अर्जित की है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं लगातार घर संभालने में जिम्मेदारी में लग गया। आपको याद है, प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के भी पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने इस बहाने का सहारा लिए बगैर अपने आप को इस दुनिया में साबित किया और आज वो वर्ल्ड फेमस है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ, इसलिए मुझे मौके ही नहीं मिले कि मैं कुछ कर पाता। दोस्तों, कैसी बहाना बनाते हैं। कोई भी इंसान पैदाइशी करोड़पति या अरबपति नहीं होता। किसी भी इंसान को भगवान इस धरती पर आते वक्त करोड़ों या अरबों का चेक काट के नहीं देता। हर इंसान वैसा ही होता है, पैदाइशी गरीब ही होता है, खाली हाथ ही इस दुनिया में आता है। किसी और की बात छोड़ो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी दूसरे लोगों ने भरा था। और दोस्तों, इनका आज हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान है। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मेरा साथ ही ऐसे लोगों में था कि मेरी संगत की वजह से मैं बुरा बन गया। तो एक बात ध्यान रखो कि चंदन के पेड़ में विषैले सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन वो चंदन का पेड़ कभी विषैला नहीं हुआ, आज तक विषैला नहीं हुआ। तलवार और ढाल दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें से एक रक्षक है तो दूसरा घातक भी है। आपने रामायण में देखा होगा या स्टडी किया होगा, रामायण में रावण और विभीषण दोनों सगे भाई हैं।
दोनों की परवरिश एक जैसी हुई, लेकिन उसमें से एक दुराचारी बन गया तो दूसरा दयावान बन गया। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मैंने साइकिल पे अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है। तो आप यह भी जान लो कि निर्मा के कर्शन भाई पटेल, जो आज करोड़पति और अरबपति हैं, उन्होंने भी साइकिल पे निर्मा बेचते हुए अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। दोस्तों, बहाना और कामयाबी में से एक को आपको चुनना होगा, तभी आप इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में सच कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत ही चली गई। तो आप जान लीजिए, प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं, जिन्होंने अपना नाम पहचान पूरे वर्ल्ड में बना के रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से मेरी बुद्धि तेज नहीं है। अरे थॉमस एल्वा एडिसन को आप स्टडी करो। थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में उनकी स्कूल से मंद बुद्धि होने के कारण निकाल दिया गया था, और उस मंद बुद्धि बालक ने बल्ब का आविष्कार किया, ना कि बल्ब का आविष्कार किया बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले में से एक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। 40 से ज्यादा आविष्कार किया है इन्होंने। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मैं इतनी बार फेल हो चुका हूं कि अब हिम्मत ही नहीं बची। अरे अब्राहम लिंकन का उदाहरण याद करो, आप स्टडी करो, 15 बार चुनाव के साथ साथ अन्य चीजों में हारने के बाद भी वह व्यक्ति अमेरिका जैसे विशाल देश का राष्ट्रपति बना और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया। कुछ लोग तो यह बहाना बनाते हैं कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। अरे इंग्लिश आना कोई सक्सेस का फार्मूला नहीं है दोस्त। आपको जो लैंग्वेज आता है, हिंदी आता है, उर्दू आता है, बंगाली आता है, भोजपुरी आता है, तमिल आता है, उड़िया आता है, आपको जो भी लैंग्वेज आता है, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज के राजनेता दोस्तों, लालू यादव को इंग्लिश नहीं आती, फिर भी वो अच्छे अच्छे लोगों में, बड़े बड़े लोगों के बीच में अपनी बात को, अपने प्रस्ताव को रखते हैं। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, बचपन से मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दोस्तों, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। क्या आपको पता है, आपको ये जानते हैं जरूर कि वो एक सिंगर हैं, लेकिन आपको क्या यह जानते हैं कि उन्होंने पहला गाना क्यों और कब गाया था? दोस्तों, उन्होंने अपना पहला गाना भी सिर्फ इसीलिए गाया था क्योंकि उनके पास पैसे की सख्त जरूरत थी, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी उन्होंने अपना पहला गाना भी गाया था। कुछ लोग तो बहाना बनाते हैं, अरे मेरी लंबाई ही बहुत कम है। अरे दोस्तों, आप जान लो कि गॉड ऑफ क्रिकेट, देश के सुपर स्टार सचिन तेंदुलकर की लंबाई भी बहुत कम है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में वो आज अलग पहचान बना के रखे हैं। आज गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं सचिन तेंदुलकर। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, बिजनेसमैन बनना चाहता था, पुलिस बनना चाहता था, आर्मी बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई कि मुझे मेरे मन की राह ही नहीं मिला। दोस्तों, आप एक बात जान लो, डेल कार्नेगी का आपने नाम सुना है, जिन्होंने हाउ टू बिल्ड फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखी। वो भी फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रख्यात लेखक बन गए। दोस्तों, आपको बहाना और कामयाबी में से एक को ढूंढना होगा। अगर आप बहाना और कामयाबी में से एक को नहीं ढूंढ पाए, बहाना बनाते रहोगे, वो बहाने आपके सपने का अंतिम संस्कार कर देगा। आपको बहाना और कामयाबी में से एक को चुनना होगा। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि अरे मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, क्या हो पाएगा। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी और नारायण मूर्ति ऐसे बहुत सारे लोग एक छोटी छोटी नौकरियां करते थे, लेकिन आज एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी कंपनी, मेरा व्यापार में एक बार दिवालिया हो चुका है, अब मुझ पे भरोसा कौन करेगा। आप जान लीजिए, पेप्सी को आप बड़े चाल से स्वाद लेके पीते हैं,
दुनिया का सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला पे दो बार दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन आज फिर भी पूरे वर्ल्ड में वो अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मैं डिप्रेशन में आ चुका हूं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप जान लीजिए, डिज्नीलैंड बनाने के पहले वर्ल्ड डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया। कुछ लोग तो उम्र का बहाना बनाते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अरे दोस्तों, एक कौन सा बहाना है? विश्व के प्रसिद्ध फ्राइड चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट यानी कि होटल खोला था, और आज दुनिया में उनके पास होटल की लाइनें हैं, श्रृंखलाएं हैं। आज कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि अरे मेरी उम्र बहुत कम है, अभी थोड़ा सा 18 साल 20 साल 22 साल का होने दो, तब मैं कुछ करता हूँ। आप जान लीजिए, सानिया मिर्जा को देखिए, कितनी कम उम्र में दुनिया का शीर्ष टेनिस खिलाड़ी में आज उसका नाम बेशुमार है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, मेरे पास तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को कहीं भी किसी के सामने मैं प्रस्ताव करता हूं तो लोग अस्वीकार कर देता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, आपको याद है कि जेरोक्स के फोटोकॉपी के मशीन के आइडिया को भी पहले ढेरों कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, और परिणाम आज जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि हर ऑफिस में, हर ऐसी जगह पे जरूरी चीज में से एक है फोटोकॉपी मशीन, जिसे जेरोक्स किया जाता है। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं, अरे मैं तो काम शुरू करना चाहता हूँ, बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, धंधा शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। दोस्तों, यह सब एक बहुत ही अच्छा बहाना है, क्योंकि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन को आप जानते ही होंगे, जिनके पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, धन नहीं थे। आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे वर्ल्ड फेमस आपको मिलेंगे जिनके पास पैसे ही नहीं थे कुछ करने का, फिर भी आज उन्होंने अथाह और अपार सफलताएं इस दुनिया में अर्जित की, अपने आप को पूरे वर्ल्ड में साबित करके दिखाया। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि अरे मेरे पास बहुत सारी बीमारियां हैं। अरे एक बात जान लो, वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख रिचर्ड ब्रेंसन को आंखों की कमजोरी है, डिसलेक्सिक है, लेखक वेद प्रकाश मेहता की दोनों आंख नहीं है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर नहीं काम करते, यहां तक स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। अब आप कहेंगे कि विपिन तन्हा, इतने सारे लोगों का जो एग्जाम्पल या उदाहरण आपने दे दिया, यह जरूरी नहीं है कि वो जो टैलेंट उनके पास था मेरे पास भी हो, जो प्रतिभा इन लोगों के पास था मेरे पास भी हो, यह बिल्कुल नहीं जरूरी है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपके पास आपका खुद का कोई ना कोई टैलेंट होगा, प्रतिभा होगा, एक्सपीरियंस या नॉलेज होगा। आपको मैं जानता हूं कि सक्सेस नहीं होने के बहुत सारे आपको कारण मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, अरे यार इस वजह से मैंने ये चीज नहीं कर पाया, ये कारण था जिसकी वजह से मैं इस चीज में सफल नहीं हो पाया। आपको सफल ना होने के बहुत सारे कारण मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसी में से सफल होने का एक कारण ढूंढना होगा, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी एक लाइक दे दीजिएगा, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं विपिन तन्हा आपका दोस्त, फिर मिलता हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।